हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी का फिर से वेलकम है इस वीडियो में। और देखिए, जैसे कि फ्रेंड्स हम अध्ययन कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ ड्रामास का। फॉर्म्स ऑफ ड्रामा में हम द प्री एलिजाबेथन ड्रामा पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर अंदर ये चार आते हैं हमारे, द मिरेकल प्ले, द मिस्ट्री प्ले, द मोरालिटी प्ले एंड द इंटरल्यूड। इन सबको हम अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है द ट्रेजेडी, द मेलो ड्रामा, द ट्रेजी कॉमेडी एंड द कॉमेडी। देखिए, ये सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं नंबर चार तक। और नंबर जो फाइव है हमारा द कॉमेडी, इसके तहत द रोमांटिक कॉमेडी हमारा हो चुका है। और आज हम इस लेसन में, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। ठीक है, द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का अध्ययन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। देखिए, इस पूरे सीक्वेंस से लिखे हैं ये, इन सबका हम लोग एक एक करके अध्ययन कर रहे हैं। तो आज जिसका नंबर है वह है द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और बाकी के फॉर्म्स ऑफ ड्रामा भी हम आगे चल के कंप्लीट करेंगे। और इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर के और भी कई सारे एक्स्ट्रा वीडियोस हैं जो कि मैंने बनाए हैं। और आप लोगों ने यदि अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग जो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। शुरू करते हैं आज का पॉइंट, हमारा आज का लेसन द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, और फ्रेंड्स इसमें मैंने साइड में लिखा है ये बेन जॉनसन, क्योंकि जहाँ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का नाम आएगा वहाँ बेन जॉनसन का नाम ज़रूर ज़रूर आएगा, क्योंकि बेन जॉनसन ने ही सबसे पहले इस फॉर्म्स को, इस ड्रामा की जो फॉर्म है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, इसको उन्होंने अडॉप्ट किया था और इसका यूज़ किया था। अब बात करते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर क्या होता है। देख लीजिए, इन दिस कॉमेडी ह्यूमर इज यूज्ड इन द क्लासिकल सेंस, हैविंग फोर प्राइमरी फ्लूड, ब्लड, फ्लैगम, कॉलर, मेलनकली। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि वर्ड है ना ह्यूमर, ह्यूमर से जैसे कि हम मतलब हम निकाल लेते हैं मज़ा, फन, अम्यूजमेंट, ठीक है, हंसी, मजाक, तो ये मतलब कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में ह्यूमर का नहीं होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, नहीं होता है ह्यूमर का ये मतलब, मजाक से नहीं लेता है। यहाँ ह्यूमर से मतलब होता है, जो ह्यूमर का है इसमें मतलब होता है फ्लूड। ठीक है फ्रेंड्स, एक ह्यूमन में फोर टाइप्स के फ्लूड पाए जाते हैं, जो होते हैं ब्लड, फ्लैगम, कॉलर और मेलनकरी। ये सब डिसाइड करते हैं व्यक्ति के व्यवहार को और उसके टेम्पेरामेंट को। तो यही जो है, यही फोर फ्लूड हैं जो बेन जॉनसन ने जो अपनी रचनाओं में, उनके जो ड्रामा जो उन्होंने लिखे हैं उनके कैरेक्टर में यही फोर फ्लूड पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये फोर फ्लूड हम अभी आपको और अच्छे से बताएंगे। ये है विच आर कॉल्ड ह्यूमरस, इन्हीं को ह्यूमरस कहते हैं, हुज मिक्सचर डिटरमाइन बोथ अ मैंस फिजिकल स्टेट एंड हिज कैरेक्टर टाइप। यही फोर फ्लूड होते हैं जिनको हम ह्यूमर बोलते हैं, जिनका मिक्सचर ही ये बात निश्चित करता है व्यक्ति की फिजिकल स्टेट के बारे में और उसके कैरेक्टर टाइप के बारे में, उसका चरित्र किस तरह का है। यही फोर फ्लूड होते हैं और यही होता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, जिसमें कि जो ड्रामास लिखे जाते हैं उनके कैरेक्टर्स में यही फोर ह्यूमर्स का रूप दिखाया जाता है कि उसमें कितने मात्रा में ये फ्लूड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अ नॉर्मल मैन हैज़ अ बैलेंस्ड मिक्सचर ऑफ ऑल द फोर ह्यूमरस इन हिज फिजियोलॉजी। जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति में ये जो फोर ह्यूमर्स होते हैं, फोर फ्लूड ऑफ ह्यूमर्स होते हैं, ये बैलेंस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसीलिए बैलेंस होते हैं तभी ये सही होते हैं, अदरवाइज अगर इसमें कोई भी कम या ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति का चेंज हो जाता है व्यवहार, उसका टेम्परामेंट चेंज हो जाता है। दीज फ्लूड्स डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ पर्सन। फोर ह्यूमर्स या फोर फ्लूड कौन कौन से देख सकते हैं आप, ब्लड, फ्लैगम, कॉलर एंड मेलनकली, ये चार जो होता है ह्यूमर होते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या होता है देख लीजिए, ब्लड पहला है, ब्लड तो इसमें मैंने सामने इसके लिख रखा है चीयरफुल, क्योंकि जिसमें ये वाला ह्यूमर ज़्यादा होगा वो व्यक्ति प्रसन्न होता है, उसका जो है खुश मिजाज टाइप का होता है, चीयरफुल टाइप का होता है। फिर नेक्स्ट जो है फ्लैगम, इस जिस व्यक्ति में ये वाला ह्यूमर ज़्यादा होता है काम एंड वो कंपोज होता है, बिल्कुल सुख शांति पसंद करने वाला। कॉलर जिस व्यक्ति में ज़्यादा होता है वो कैसा होता है, एंग्री, इल टेम्पर्ड, जल्दी से गुस्सा आ जाए उसे, गुस्सेल जो होता है उसमें कॉलर जिनमें ज़्यादा होता है। और लास्ट हमारा जो है ह्यूमर वो है मेलनकली, ब्लैक बाइल, ये होते हैं दुखी, बहुत ज़्यादा उदास टाइप के व्यक्ति होते हैं, वो मेलनकली उनमें ज़्यादा होता है। और इन्हीं चारों का ह्यूमर्स का मिक्सचर ही होता है तो व्यक्ति में सही उसका सारा हिसाब किताब चलता है, उसका जो चरित्र है, उसका जो व्यवहार है, नेचर है, उसका टेम्परेचर है, सब ओके होता है अगर ये चारों ह्यूमर उस व्यक्ति में कैसे हों, बैलेंस्ड अवस्था में हों। ठीक है, और जो नॉर्मल व्यक्ति में ये चारों मिक्सचर बैलेंस्ड अवस्था में होते हैं। उसके बाद
All the character in the play, therefore, each major character become eccentric or an object of ridicule in one way or the other way. इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जितने भी character होते हैं play में, जैसा कि ये play में use करते हैं ना, dramas की हम form पढ़ रहे हैं, the comedy of humor. और humor मैंने आपको बताया 4 type के होते हैं, blood, phlegm, choler and melancholy. सबका अपनी अपनी विशेषता है, किसमें क्या विशेषता लेकर ये बैठे हैं साथ में. तो अब ये बता रहे हैं कि जो कैरेक्टर होते हैं ना प्ले में, ड्रामा में जितने भी कैरेक्टर होते हैं, उन सब में ये ह्यूमर पाया जाता है. और इसीलिए जो है मेजर कैरेक्टर जो बिकम कैसे हो जाते हैं, एसेंट्रिक बन जाते हैं, या कभी कभी वो रिडिक्युलस भी टाइप के हो जाते हैं, हंसी के पात्र बन जाते हैं. एंड दिस गिव्स द प्ले राइट, जो भी लिखने वाला जो ड्रामाटिस्ट है उसको क्लू मिलता है कि उनके ऊपर वो लिखे, उनके उन पर सटायर करें, मैन और मैनर्स ऑफ हिज डेज, उनके ऊपर वो सटायर करें. अब बेन जॉनसन की बात आ रही है, तो देखो बेन जॉनसन के जितने भी कैरेक्टर हैं, इन बेन जॉनसन्स कॉमेडी ऑफ ह्यूमर ऑल द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैव इम्बैलेंस्ड ह्यूमर. ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो 4 टाइप के ह्यूमर हैं, पर वो जो बेन जॉनसन है जिन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर करके जो फॉर्म है उसको अडॉप्ट किया, उन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत मानी जाती है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स नामक फॉर्म की, तो उनके जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनमें ये ह्यूमर बैलेंस्ड अवस्था में नहीं पाया जाता है. जी हाँ, इम्बैलेंस्ड ह्यूमर उनके सारे कैरेक्टर में फ्रेंड्स होता है बेन जॉनसन की कॉमेडी में. ये देखिए, आप सारे इम्पॉर्टेंट कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जितने भी हैं बेन जॉनसन के द्वारा लिखे हुए और उनके अतिरिक्त जितने भी लिखे हैं जो मुख्य मुख्य मेन हमारे हैं, उन सब के हम देख लेते हैं. तो पहले तो हमारे ये सारे बेन जॉनसन के ही हैं, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, द मैग्नेटिक लेडी और ह्यूमर रिकनसाइल, सिंथियाज रिवेल्स और द फाउंटेन ऑफ सेल्फ लव, द पोटेस्टर और हिज अरेंज अरेंजमेंट, द अल्केमिस्ट, वॉल्पोन ऑन और द फॉक्स. इस तरह से ये सारे आप देख सकते हैं, साइलेंट वुमेन, कैटलाइन इज कंस्पिरेसी, द डेविल एज एन आस, द मास्क ऑफ ब्यूटी. ये सारे के सारे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के एग्जाम्पल हैं और वो भी सारे के सारे बेन जॉनसन के द्वारा लिखे हुए हैं. इसके अतिरिक्त नंबर 2 पे आप देख सकते हैं, ये रचना है जॉर्ज चैपमैन की है, ये दो ह्यूमर डेज मर्थ ईस्ट वर्ल्ड हो, ये जॉर्ज चैपमैन के द्वारा लिखे गए हैं. जॉन डे के द्वारा लिखा गया है ये ह्यूमर आउट ऑफ ब्रेथ, एंड ये जॉन मर्स्टोन के द्वारा लिखा गया है मेल कंटेंट, एंड ये एनोनिमस है यानी कि अननोन है. देख लीजिए क्या है इसमें, ये एवरी वुमेन इन हर ह्यूमर, ठीक है, ऑथर इज नॉट नोन, ये अननोन है, एवरी वुमेन इन हर ह्यूमर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये. और ये जो सारे के सारे उदाहरण, तो इस तरह आज हमने आज के इस लेसन में क्या देखा, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के बारे में अध्ययन किया. बेन जॉनसन इसके मुख्य राइटर हैं जिन्होंने इस फॉर्म को अपनाया और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखा. कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बेन जॉनसन एक दूसरे के ये सम उसके इज इक्वल टू में आ जाएंगे ये. और 4 ह्यूमर बताए हैं, फ्लड, फ्लैग, कॉलर, मेलनकली. और इन्हीं चारों ह्यूमर्स का जो कैरेक्टर में पाए जाते हैं इम्बैलेंस्ड अवस्था में, इस तरह से बेन जॉनसन ने वर्णन किया है. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस लेसन में इतने ही पॉइंट्स, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू. इसी तरह डेली आप लोग मेरे साथ अपने स्टडी करते रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए. सब्सक्राइब नहीं कराए तो कर लीजिए. थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद.